सो हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे। सो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी मेरी 8:30 पर। मॉर्निंग में उठी, सबसे पहले मैंने चाय वगैरह पी एंड देन फिर मैं स्टार्ट करी स्टडी एंड साथ में मेरे भाई बहनों को भी पढ़ा रही थी। और देखो, आप सोच रहे होंगे ना, मैं मॉर्निंग का शूट इसी वजह से नहीं करती बिकॉज ये ना परेशान करने आ जाते हैं मॉर्निंग में। वो बार बार देख रही थी बच्चे क्यों शूट कर रहे हो उसको। सो फिर मुझे बंद करना पड़ा एंड देन फिर मैंने स्टार्ट की अपनी स्टडीज़। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में बायोलॉजी स्टार्ट करी थी। मॉर्निंग में मैंने अपने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना लेक्चर लगाया था, एक लेक्चर लगाया था बायोलॉजी में। एंड देन फिर मैं सोच रही थी कि मेरे को नई एनसीईआरटी लेके आनी है। सो कल भी ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं न्यू एनसीईआरटी लेके आऊँगी। सो जैसी बैठी थी मैं वैसे की वैसी मार्केट निकल ली न्यू एनसीईआरटी लेने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी न्यू एनसीईआरटी लेने के लिए मार्केट गई एंड मार्केट में भी बड़े गफले हुए। मतलब लाइक सबसे पहले जिस शॉप पे मेरे को लेने जानी थी वहाँ पे मिली नहीं। उन्होंने अंकल ने बोला कि एक घंटे बाद आना। दूसरे शॉप पे गई वहाँ भी नहीं मिली, शॉप ही बंद थी वो तो। एंड देन थर्ड शॉप पे फाइनली मिली मुझे, तो फिर मैं न्यू एनसीईआरटी लेने गई थी। एंड देन हमारा मार्केट जाने का भी प्लान हो चुका था, मतलब शॉपिंग करने का प्लान हो चुका था क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो उसके लिए हुडीज़ वगैरह लेनी थी मुझे। सो सबसे पहले हम वहाँ गए, फिर हमने शॉपिंग करी एंड रस्ते के व्यूज़ भी मैंने साथ साथ डाल ले लिए थे। और पता है मेरे को मार्केट में इतनी शर्म आ रही थी ना, लाइक व्लॉग करते वक्त लोग इस मतलब व्लॉगिंग करते वक्त इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना मुझे, लोग इस कदर से देख रहे थे ना मेरे को, लाइक ये कि वीडियो क्यों बना रही है। सो धीरे धीरे आदत हो जाएगी बट मेरे को सच में बहुत ज़्यादा शर्म है कि यार ये वीडियो क्यों बना रही है, ऐसा क्यों कर रही है उस टाइप से। सो फाइनली मैंने फिर अपने जितनी भी शॉपिंग करनी थी मॉल से, तीन चार हुडीज़ ली थी मैंने एंड दो पैंट्स ली थी जो मैं बाद में कभी व्लॉग में बताऊँगी कुछ, अगर आपको लगे चाहिए तो कि कैसी ली तो उस टाइप से बताऊँगी। एंड अभी मैं विंटर्स में हुडीज़ ज़्यादा ही पहनती हूँ उस टाइप से। एंड उसके बाद जैसे ही मैं घर पे आई ना शाम को, ऑलमोस्ट मुझे 4:30 बज गए थे हम घर पे आए। एंड देन पता नहीं मुझे अचानक से ठंड जो थी ना ठंड लगने लगी एंड पूरी बॉडी इतनी भयंकर वाली पैन करी थी। फिर मम्मा ने बोला कि अभी तबीयत कम है तो अभी हॉस्पिटल बता के आ जाओ। सो फिर मैं गई हॉस्पिटल एंड जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर को मैंने चेकअप करवाया तो मुझे फीवर था 101 डिग्री एंड मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करी थी। और साथ में है ना मेरे जो दोनों चिक्स के साइड में स्वेलिंग्स थी, हमारे यहाँ उसको गदूद फूलना बोलते हैं, आई डोंट नो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं या आपके एरिया में क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ उसको गदूद फूलना बोलते हैं। तो मेरे दोनों चिक्स जो है ना उसके नीचे स्वेलिंग्स है जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है एंड मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, जो नेक है ना इतना ज़्यादा पेन कर रहा है। तो शाम को मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी। मैं लाइक अगर मेरे पूरा दिन का शेड्यूल बताऊँ ना मेरा, तो मैंने पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 hours ही स्टडीज़ करी थी एंड फिर मैं सो गई थी बिकॉज मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही ना। इनफैक्ट मैं आज भी नेक्स्ट डे मतलब मैं अभी भी ना वॉइस ओवर करने में या फिर मेरे को स्टडी पे बैठने में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि लाइक मैं पेट की स्टडीज़ भी कर लूँ या लेटे लेटे भी कर लूँ बिकॉज मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। सो वीडियो तो मैंने बता दी, पूरे व्लॉग में मैंने क्या क्या किया। सो आप देखो अब क्या क्या किया था मैंने। साथ में हमें ना मार्केट गए थे और मार्केट में बताए हम जब जा रहे थे ना साइड में एक हमारे यहाँ बहुत बढ़िया जगह है वहाँ पे हर साल है ना मेला लगता है। सो वहाँ पे ना प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी तो मैं और मम्मी हम दोनों बाइक बात करते करते जा रहे थे कि हम यहाँ पे मेला लगने वाला है तब फिर कभी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। एंड व्लॉग का बताना कैसा लगा आपको व्लॉग। आई नो उसमें स्टडीज़ तो नहीं थी बिल्कुल भी, इस वजह से मैंने स्टडी व्लॉग डाला भी नहीं इसके अंदर, बट क्या करें यार कभी कभी ऐसा दिन होता है। और यहाँ मैं बुक लेने गई थी तो कभी कभी ऐसा होता है यार कि लाइक कभी दिन अच्छा होता है कभी अनप्रोडक्टिव होता है तो चलता रहता है, इससे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। सो आई होप कि नेक्स्ट जो 2-3 दिन में अच्छी से तबीयत मेरी ठीक हो जाए, मैं कंटिन्यू अपनी स्पीड पे आ जाऊँ बिकॉज ऑलमोस्ट 5 months ही बाकी है मेरी एग्ज़ाम्स में। सो आई थॉट कि फटाफट से मैं अच्छे से रिकवर हो जाऊँ ताकि मैं अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर सकूँ। एंड अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया। इन साथ साथ में ये भी बताना, साथ साथ में ये भी ज़रूर बताना कि किस किस को एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ूँ या न्यू एनसीईआरटी से पढ़ूँ। इस वजह से मैं एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी भी लेके आ गई हूँ बिकॉज मुझे कोई भी किसी भी तरह का कोई मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मेरे को अगर यार मैं पढ़ लेती बाद में मुझे प्रॉब्लम हो या बाद में मुझे रिग्रेट हो कि मैंने नहीं किया, अगर कर लेती तो ज़्यादा बेटर रहता है। इस वजह से मैं न्यू एनसीईआरटी पे लेके आ चुकी हूँ।
जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे मैं पढ़ ही रही हूँ, बट साथ साथ में न्यू एनसीईआरटी से भी मैं पढ़ूंगी, ताकि जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट न्यू एड ऑन हुए हैं मेरे को थोड़ा बहुत इसका भी नॉलेज हो जाए, और जो टॉपिक डिलीट हुआ है उसका भी पता चल जाएगा। सो अगर आप भी ना मेरे तरह कन्फ्यूज हो तो आप भी जाओ तो ले सकते हो, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ो तो न्यू एनसीईआरटी ले सकते हो, बिकॉज है ना किसी भी तरीके का रिस्क हम अभी नहीं ले सकते, रिस्क अवॉइड ही करो, रिस्क बिल्कुल भी मत लो, हम नहीं कह सकते कब क्या हो जाए। सो मैं लेके आ गई थी एंड या दैट्स इट। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो कमेंट करिएगा। तो बाय, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में।